हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो आपकी गैस होती है वो लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होती है। एग्जांपल के तौर पर आप लोग ले सकते हो, आप कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही हो, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो तो आप क्या देखते हो, उसमें से एक गैस बाहर आती है। क्या आपको पता है वो कौन सी गैस है? हाँ दोस्तों, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब आपकी जो गैस होती है वो लिक्विड में सोल्यूबल होती है। तो आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर, इनकी जब गैस आपकी लिक्विड में सॉल्युबल होगी तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो फैक्टर है आपका वो है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, आप यहां आप देख सकते हैं कि कुछ जो गैसेज हैं आपकी वो पोलर होती हैं, और जो पोलर गैस होती हैं वो वाटर में सोल्यूबल होती हैं। सम गैसेज आर पोलर, एंड सोल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे पोलर गैसेज का, हमारे पास है HCl या फिर आपका सल्फर डाई ऑक्साइड या फिर आपका अमोनिया। तो ये आपकी पोलर क्यों हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl, अगर हम बात करें कि HCl आपका पोलर क्यों है, तो हम यहाँ पे जानते हैं जो क्लोरीन है आपका वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपका क्या होगा, पोलर इन नेचर। इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम अकॉर्डिंग टू लाइक डिजोल्व लाइक, नेचर है आपका ये लाइक डिजोल्व लाइक, इनकी इसके अकॉर्डिंग जो आपके पोलर जो पोलर गैसेज हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होगी, आपकी सोल्यूबल होगी। मान लो जैसे आपके पास HCl है तो HCl वाटर के साथ में सोल्यूबल होगी। तो ये था आपका नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। लेकिन जो आपकी नॉन पोलर गैसेज हैं, नॉन पोलर गैसेज आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर गैसेज आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि वाटर। जो नॉन पोलर गैसेज आपकी वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आप लोग बता सकते हैं, जैसे आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दे आर नॉन पोलर। ये आपकी नॉन पोलर हैं क्योंकि यहाँ पे दो एटम हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आपकी सेम है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन आपका दो नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बना है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये आपका क्या होगा, नॉन पोलर, और ये आपका वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। बट ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होगा। तो पहला फैक्टर था आपका नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। इसके बाद जो हमारा अगला फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम बताएंगे, When we increase the temperature, जब हम क्या करेंगे, temperature को increase करेंगे, solubility will be decrease, solubility of gas will be decrease। तो जो solubility है वो क्या करेगी, decrease करेगी, and gas will be escape out from solution।
और जो गैस है आपकी वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगी। तो अब आप लोग बोल सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इन्वर्सली मीन्स दे आर इन्वर्स। इनकी अगर सॉल्युबिलिटी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगर हम बात करें इसके लिए तो यहाँ जो जो आपकी ये प्रोसेस होती है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस में जो आपका डेल्टा एच होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। तो ऐसा क्यों होता है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। हम क्या लेंगे, एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक वेसल है और इसके अंदर अपने पास एक सॉल्वेंट यानी कि वाटर है, और ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है ये, और अगर इसके अंदर हम कुछ गैसियस पार्टिकल्स को डिजोल्व कर देते हैं, कुछ गैसियस पार्टिकल को डिजोल्व कर देते हैं। अब हमें पता है कि जो गैसियस पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही ये इस सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो इनकी ज़्यादा थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो देखो यहाँ इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी लेकिन जैसे हमने इसको सॉल्वेंट में डाल दिया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी एस्केप आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन से बाहर आएगी। किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी एस्केप आउट फ्रॉम सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसकी फॉर्म में आएगी, ये एनर्जी की फॉर्म में। सो हम बोल सकते हैं एनर्जी को हम डेल्टा एच से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एनर्जी यानी कि हीट बाहर निकलेगी तो हम रिएक्शन को बोल सकते हैं आपकी डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। तो इसलिए आपकी ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, ये प्रोसेस होगी आपकी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो आपके जैसे ही गैस को हम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करेंगे तो जो गैसेस पार्टिकल थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या करेगी, सॉल्यूशन से रिलीज आउट कर जाएगी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि वो जब सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगी और वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर आएगी। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डेल्टा एच इज नेगेटिव। एक यहां पे आपका आता है लो टेम्परेचर फेवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। लो टेम्परेचर फेवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इनकी कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर लो होगा तो जो आपकी गैस है वो लिक्विड में आसानी से सोल्यूबल होगी। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए अभी हम पीछे हमने अभी पढ़ा है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है जब हम गैस को डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो इसके लिए हम डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में स्टडी करेंगे। तो डेल्टा एच हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, डेल्टा एच आपका आया है नेगेटिव, और जो डेल्टा एस आया है, डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, और इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अब गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने से पहले उनमें रैंडमनेस क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो क्या हो गया आपके सॉल्यूशन में चले गए, सॉल्यूशन में जाने के बाद उनकी रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो सॉल्वेंट के साथ में एक बॉन्ड बना लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं, तो उनकी रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। उस अगर सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद रैंडमनेस डिक्रीज कर जाती है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव।
और हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हम यहां देखेंगे फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। जो डेल्टा जी आपका वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आपकी जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो कब होगी, अगर इस इक्वेशन में हमारी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो हम इस इक्वेशन में डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच आपका है नेगेटिव माइनस टी, और डेल्टा एस भी आपका क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव आपके क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपका बनेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो अब आप लोग यहां देख सकते हैं, अगर टी की वैल्यू एच से ज्यादा हो जाती है तो आपकी जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन होगी आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम यहां पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू कम करेंगे। अगर हम यहां पे टी की वैल्यू डाउन कर देते हैं, इनकी टेम्परेचर बिल्कुल लो लेते हैं, तो आपकी और इस उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आते ही हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, इट मींस आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आसानी से टेक प्लेस कर जाएगी। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, तो प्रेशर में हम देखेंगे कि ये पता है हमें, जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीज करती है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। इनकी जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करेगी, इनकी आपकी गैस उतनी ज्यादा सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी। एग्जांपल के तौर पर हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, जब कई बार हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं उसमें से एकदम से आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है पूरी की पूरी बाहर आ जाती है, उसमें जो आपका जो सोडा है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। इट मीन्स कि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ गैस को बंद कर दिया गया, और जैसे उसको हम ओपन करते हैं बोतल के ढक्कन को तो उसमें से एकदम से सारी की सारी जो आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक थी वो बाहर आ जाती है। तो इट मीन्स वहां पे प्रेशर ज्यादा है। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी, इट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। प्रेशर जितना बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी आपकी ज्यादा होगी। तो इसको स्टडी करने के लिए आपका एक लॉ दिया गया है, उस लॉ को हम बोलते हैं हेनरी लॉ। क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ में क्या बताया गया है, हेनरी लॉ में बताया गया है मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट ए सर्टेन टेम्परेचर।
यहां पे क्या बोल दिया गया, मास ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड, इनकी कोई भी गैस है उसका मास है जो वो लिक्विड में उतना ही ज्यादा सोल्यूबल होगा जितना उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे एट ए सर्टेन टेम्परेचर। मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर ऑन इट, इनकी जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे आपकी गैस का मास उतना ही ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो इस कंडीशन में हम, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको बराबर करने के लिए हम इसको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्स्टेंट वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे के, और इस के को बोलेंगे आपका प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट। तो ये आपका हेनरी ला था, हेनरी ने क्या बोला था, मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर ऑन इट एट ए सर्टेन टेम्परेचर। तो यहां इसके बाद हेनरी के एक दोस्त थे जो थे डाल्टन, डाल्टन ने क्या बोल दिया कि जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस है वो मास नहीं, वो किसकी वजह से है, मोल फ्रैक्शन की वजह से है, किसकी वजह से है, मोल फ्रैक्शन की वजह से। और मोल फ्रैक्शन की वजह से क्यों है, तो उन्होंने बताया कि जो मास है, मास का मतलब है कंसंट्रेशन। उसने हेनरी वाली इक्वेशन को यूज करके मास ऑफ गैस की बजाय हम इसको कंसंट्रेशन ऑफ गैस भी लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनकी जितना ज्यादा, अब एक तो हम किसी चीज को 20 ग्राम लें और एक ही चीज को 50 ग्राम लें तो कंसंट्रेशन ज्यादा कहां होगी 50 ग्राम वाले में। तो इट मींस जो मास है वो मास डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, मास और कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट डिपेंड हैं। मान लो हमारे पास एक तो है 20 ग्राम शुगर और एक है 50 ग्राम शुगर, अब दोनों को बोला जाए कि इनको पानी के साथ मिलाने के बाद इक्वल अमाउंट का, इक्वल वॉल्यूम का एक सॉल्यूशन बनाना है, और तो कंसंट्रेशन हम किस में देखेंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा उसमें होगी जिसमें हमने शुगर ज्यादा ली है। मान लो यहां भी 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है और यहां भी 100 ml का सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा होगी 50 ग्राम वाले में। इट मींस जहां मास ज्यादा है वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम इस मास को कंसंट्रेशन की टर्म में लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और कंसंट्रेशन को मेजर करने के आपके तीन मेथड हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो डाल्टन ने यहां सबसे आसान मेथड को लिया इस सोलिबिलिटी को मेजर करने के लिए, और जो सबसे इजी मेथड है वो है आपका मोल फ्रैक्शन, जिसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो उसने यहां पे ले लिया आपका मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो अब जो आपकी नई डेफिनेशन बन गई वो क्या बनी, मास की बजाय यहां पे क्या बन गया आपका हेनरी लॉ में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट ए सर्टेन टेम्परेचर। इनकी जितना ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही सोल्यूबल होगा, यानी कि उतनी ज्यादा आपकी गैस क्या होगी, सोल्यूबल होगी लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो यहां पे अगर हम इसकी बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, तो इसको हम एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू के इंटू पी, और अगर हम पी की वैल्यू यहां निकालते हैं तो यहां आपका आएगा 1/k इंटू एक्स, और जो 1/k है आपका उसको बोलते हैं हम हेनरी कॉन्स्टेंट, 1/k इज नोन एज हेनरी कॉन्स्टेंट। तो अब यहां पे आपका बनेगा 1/k की जगह पे हम यहां रखेंगे के एच, तो आपका बनेगा एक्स इंटू के एच इज इक्वल टू पी, एक्स इंटू के एच इज इक्वल टू पी।
एक्स इंटू के एच इज इक्वल टू पी, तो ये बनता है आपका हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ में आप लोग कर सकते हैं या एक्स इंटू पी एच के एच इज इक्वल टू पी, तो ये आपका बनता है हेनरी लॉ। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में और पार्शियल प्रेशर के बीच में, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इनके बीच में एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ आपका मोल फ्रैक्शन और यहाँ आपका पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ हम दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो अब हम इस ग्राफ की बात करें तो जो ये स्लोप ऑफ ग्राफ है, जो स्लोप ऑफ लाइन है दिस ग्राफ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा के एच की वैल्यू को। द स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ के एच। और यहां पे क्या बताया गया है, डिफरेंट गैसेस हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच, यानी कि अलग अलग गैसेस की के एच की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग। मान लो कोई गैस तो आपकी पोलर है और कोई क्या है, नॉन पोलर, तो पोलर है वो आसानी से सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगी और नॉन पोलर है वो आसानी से सोल्यूबल नहीं होगी। तो जो डिफरेंट गैस हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच, अब यहां पे आता है आपका जिसकी के एच की वैल्यू ज्यादा होगी वो आपकी गैस लेस सोल्यूबल होगी। द गैस विच हैज हाई के एच वैल्यू, पहला तो आपका ये था डिफरेंट वैल्यू। अब इस ग्राफ से हम कुछ स्टडी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं, डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच। सेकेंड इज द गैस विच हैज हाई वैल्यू ऑफ के एच, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी के एच वैल्यू ज्यादा है, आर लेस सोल्यूबल, आर लेस सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, वो गैस क्या होगी आपकी सॉल्वेंट के अंदर लेस सोल्यूबल होगी, यानी कि जिसके के एच की वैल्यू ज्यादा है उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, लेस सोल्यूबल होगी। तो ये हम कैसे बताएंगे कि उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी, तो हमने अभी जो आपका हेनरी लॉ स्टडी किया था, हेनरी लॉ में हमने एक यहां पे इक्वेशन करी थी के एच इंटू एक्स इज इक्वल टू पी, के एच इंटू एक्स इज इक्वल टू पी, ये हमने अभी स्टडी किया था फ्रॉम हेनरी लॉ, फ्रॉम हेनरी लॉ। तो अगर मैं इस के एच की वैल्यू निकालू इस इक्वेशन में, तो के एच इज इक्वल टू पी इंटू वन बाय एक्स, तो हम क्या देखेंगे, के एच और एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन और हेनरी कॉन्स्टेंट आपके दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इनकी के एच अगर ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन आपका कम होगा, और मोल फ्रैक्शन की टर्म में हम किसको मेजर करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम मेजर कर रहे हैं सोलिबिलिटी की टर्म में, सोलिबिलिटी को किसकी टर्म में मेजर कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में। इनकी जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ही सोलिबिलिटी होगी, तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी इनकी मोल फ्रैक्शन और के एच दोनों के एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर के एच ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी कम होगी, और के एच कम है तो सोल्युबिलिटी ज्यादा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम इस बात से प्रूव कर सकते हैं के एच और सोल्युबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इट मीन्स के एच अगर ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी कम है। तो ये था आपका हेनरी लॉ। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो एप्लीकेशन की अगर बात करें हेनरी लॉ की, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। पहला है आपका इन
कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इट इज यूज इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस मीन्स जो सॉफ्ट ड्रिंक और जो सोडा वाटर हम यूज करते हैं उसमें आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिजोल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व कर देते हैं। किसके अंदर? सोडा वाटर के अंदर या फिर आपकी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है, प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई करके इसको इसके अंदर डिजोल्व कर दिया जाता है। सो इसको हम यूज कर सकते हैं इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर। सेकंड वन इज इन स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में आपको बता दूं जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्रों में नीचे जाते हैं गोताखोर, जैसे वो नीचे जाते हैं तो हमें पता है जैसे हम गहराई के अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। और जो गोताखोर है जैसे वो नीचे जाते हैं, नीचे जाते ही प्रेशर बढ़ जाएगा और जो एयर है वो एयर के अंदर, जो एयर गैस की फॉर्म में थी, प्रेशर बढ़ने के कारण हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो एयर है आपकी वो लिक्विड की फॉर्म में बदल जाएगी और वो हमारी जो आर्टरीज और जो वेन है उनके अंदर फ्लो करने लगती है। जो एयर वो फ्लो करने लगती है आर्टरीज के अंदर या वेन्स के अंदर, आर्टरीज और वेन्स के अंदर लिक्विड की फॉर्म में वो फ्लो करने लगती है ब्लड के साथ मिक्स होकर। लेकिन जैसे ही वो गोताखोर एकदम से बाहर आता है तो उस जो एयर हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर डिजोल्व थी, डिजोल्व फॉर्म में थी, उसके ऊपर से एकदम से प्रेशर हट जाता है और प्रेशर हटने के बाद वो वापस एयर की फॉर्म में आ जाती है। तो एयर तो बाहर निकल जाती है लेकिन हमारे ब्लड के बीच में बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बबल्स, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसका सर्कुलेशन रुक जाता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड्स। कई बार इस कंडीशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो जैसे ही मान लो गोताखोर नीचे गए, प्रेशर बढ़ चुका है, प्रेशर बढ़ने के कारण जो एयर थी वो हमारी आर्टरी और वेन में क्या होगी? मिक्स होगी ब्लड के साथ। लेकिन जैसे ही बाहर आए, वापस बाहर आते ही वो एयर वापस अपनी उसी फॉर्म में आ गई क्योंकि प्रेशर उस पे से रिमूव हो चुका है। और प्रेशर रिमूव होते ही एयर तो ब्लड से बाहर आ जाएगी लेकिन उस हमारी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर क्या बन जाते हैं? बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। बबल्स क्रिएट, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और कई बार इसमें डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो गोताखोर होते हैं उनको बोला जाता है कि एकदम से बाहर ना आया जाए, ऊपर आने की प्रोसेस बिल्कुल क्या होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए ताकि जो डिजोल एयर है हमारे ब्लड के साथ में वो धीरे धीरे उसके प्रेशर उस पे से प्रेशर आसानी धीरे धीरे करके हटे और वो वहां पे बबल्स क्रिएट ना हो। तो टू अवॉइड बैंड, बैंड से बचने के लिए, इस कंडीशन से बचने के लिए, तो जो आपके गोताखोर हैं उनको सलाह दी जाती है जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो अपने साथ लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेके जाते हैं उनको बोला जाता है कि उन सिलेंडर में क्या होना चाहिए? हीलियम को होना चाहिए क्योंकि हीलियम जो आपकी वो इजीली लिक्विफाई होने वाली गैस है। टू अवॉइड बैंड, इस कंडीशन से बचने के लिए हमारे जो स्कूबा डाइवर होते हैं उनको सलाह दी जाती है कि जो अपने ब्रीथिंग टैंक हैं उन ब्रीथिंग टैंक में वो ब्रीथिंग टैंक में वो क्या करें? ऑक्सीजन के साथ में क्या भरें? लेस सोल्यूबल हीलियम। क्या भरें? हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें आपकी हीलियम तो 11.7% होगी और नाइट्रोजन आपकी 56.8% और ऑक्सीजन आपकी
32.1% होनी चाहिए। अब यहाँ पे हीलियम का, हीलियम के ऑक्सीजन के टैंक में, ब्रीथिंग टैंक में हीलियम को डालने का क्या फायदा है, क्योंकि ये जो आपका हीलियम है ये आपका लेस सोल्यूबल है, ये हमारे ब्लड के साथ में मिक्स नहीं होता, ये क्योंकि ये लेस सोल्यूबल है और नाइट्रोजन को भी ये सोल्यूबल होने से रोकता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है एट हाई एल्टीट्यूड। अगर हम बात करें एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि जो माउंटेनर्स होते हैं वो जब भी ऊपर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन का जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और जो हमारे टिश्यू हैं, जो हमारे बॉडी के जो टिश्यू हैं उनके अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, इससे हमें, हम सोच भी नहीं सकते और हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी यहाँ पे कई बारी काम नहीं करती। तो इसमें क्या होता है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे जब हम ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी लो। ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी लो एट हाई एल्टीट्यूड। कंपैरिजन टू द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब हमारे जो ब्लड है और जो हमारे टिश्यू है उनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो हम इस कंडीशन को फेस करते हैं जिसको बोलते हैं एनोक्सिया। तो ये था आपका हेनरी लॉ। तो स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।